गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट बेटा क्लास 9th। आज की क्लास में हम आपको मैथ्स की एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट करवाएंगे। 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x। हमें ये पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है इसमें, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 1 एंड x इज इक्वल टू 2। इसके सॉल्यूशन पर आते हैं हम, ठीक है। इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो हमें पॉलिनोमियल गिवन है उसको हम लिख लेंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, फर्स्ट में पुट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। फर्स्ट हमें क्या निकालना है, x इज इक्वल टू 0। हमें पूरे पॉलिनोमियल में जहाँ पर भी x दिखेगा वहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे, 0। 5 x के प्लेस पे 0 माइनस 4 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर प्लस 3। 5 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, माइनस 0 का स्क्वायर 0, 0 का 4 में मल्टीप्लाई 0 प्लस 3, ठीक है। 0 में हम कुछ भी क्या कर दो, प्लस कर दो माइनस कर दो, क्या आएगा, वही वैल्यू आती है, तो क्या आएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड है आपका पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस 1। अब हमें पॉलिनोमियल में जहाँ पर भी x दिखेगा हम वहाँ पर माइनस 1 पुट कर देंगे, तो 5 x के प्लस पे माइनस 1 माइनस 4 इंटू एक्स के प्लस पे माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3। 5 का माइनस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 5 माइनस 4, माइनस 1 को 2 टाइम्स ओपन करेंगे, माइनस 1 इंटू माइनस 1 और ये प्लस 3। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, माइनस 5 माइनस 4 प्लस 3। अब क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होते हैं, हमारे पास प्लस होते हैं, तो 5 और 4 कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, और साइन कौन सा आता है, जो वैल्यू बड़ी रहती है, ठीक है। तो 5 के आगे क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 9 प्लस 3। 9 में से प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस होते हैं, तो 9 में से 3 जाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 6, और जो वैल्यू बड़ी रहती है साइन उसी का आता है, ठीक है। तो बड़ी वैल्यू क्या है हमारे पास में, 9 है, उसके आगे माइनस साइन लगा हुआ है, तो माइनस 6। थर्ड है आपका पुट एक्स इज इक्वल टू 2। हमें अब एक्स दिखेगा वहाँ पर हमें 2 पुट करना है, ठीक है। 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3। 5 टू ज़ा 10 माइनस 4, 2 टू ज़ा 4 प्लस 3। 10 माइनस 4, 4 ज़ा 16 प्लस 3। 10 में हम 3 को ऐड करेंगे तो 13 माइनस 16, ठीक है। 16 में से 13 को माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, बड़ी वैल्यू किसकी है, माइनस की है, तो माइनस का साइन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड पी ऑफ 0 कोमा पी ऑफ 1 एंड पी ऑफ 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। अब हमें क्या दिया है, पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, हमें वैल्यूज़ फाइंड करनी है पी ऑफ 0, पी ऑफ 1 एंड पी ऑफ 2 की, ठीक है। सॉल्यूशन पर आते हैं हम। सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें जो पॉलिनोमियल दिया है हम उसे लिख लेंगे, ठीक है। फर्स्ट में हमें क्या फाइंड करना है, पी ऑफ 0, ठीक है। अब हमें वाई के प्लेस पर क्या रखना है, 0 पुट करना है, तो वाई स्क्वायर 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, ठीक है। 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस 0 प्लस 1, क्या बचेगा यहाँ पर हमारे पास में, प्लस 1 बचेगा। सेकेंड है पी ऑफ 1 वाई स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस वाई, तो माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल हो गया, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 हो जाएगा, ठीक है। पी ऑफ 2 वाई स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर माइनस वाई, तो माइनस 2 प्लस 1, ठीक है। 2 टू ज़ा 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 और 1 कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, माइनस 2, तो 5 में से 2 जाएंगे तो 3 बचेंगे। सेकेंड है आपका पी ऑफ टी इज इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2 टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब। अब हमें वैल्यूज़ फाइंड करना है पी ऑफ 0, पी ऑफ 1 एंड पी ऑफ 2 की। जहाँ पर हमें टी दिखेगा वहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे, 0, क्योंकि यहाँ पर पी ऑफ टी, टी के प्लस पे क्या हो जाएगा, 0 हो गया। 2 प्लस टी के प्लस पे 0 प्लस 2 टी स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर माइनस टी क्यूब, तो 0 का क्यूब। 2 प्लस 0 2, 0 का स्क्वायर 0, 0 का क्यूब 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2 बचेगा, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। पी ऑफ 1 2 प्लस टी के प्लस पे 1 2 इंटू टी के स्क्वायर के प्लस पे 1 स्क्वायर माइनस टी क्यूब के प्लस पे 1 क्यूब,
टू प्लस वन प्लस टू क्या हो जाएगा, वन का स्क्वायर वन, वन का मल्टीप्लाई टू में करेंगे तो टू माइनस वन क्यूब तो वन, ठीक है। प्लस वन से माइनस वन कैंसिल, टू और टू फोर हो जाएगा। पी ऑफ टू, टू प्लस टू इंटू टू प्लस टू इंटू टू का स्क्वायर माइनस टू का क्यूब, सोल्व करेंगे इसको, एट से एट कैंसिल तो फोर बचेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में पॉलिनोमियल गिवन है हमें पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, पी ऑफ जीरो, पी ऑफ वन एंड पी ऑफ टू निकालेंगे हम। जहाँ पर हमें एक्स दिखेगा वहाँ पर जीरो पुट करेंगे, जीरो क्यूब जीरो, वन पुट करेंगे वन क्यूब वन होता है, पी ऑफ टू टू क्यूब, टू टू ज़ा फोर, फोर टू ज़ा एट। नेक्स्ट है आपका पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन, पी ऑफ जीरो, पी ऑफ वन एंड पी ऑफ टू। एक्स के प्लेस पे जीरो पुट किया, जीरो माइनस वन, जीरो प्लस वन, जीरो में वन को माइनस करेंगे तो माइनस वन, जीरो में प्लस वन ऐड करेंगे तो वन, वन का वन में मल्टीप्लाई होगा तो वन आएगा और साइन किसका आ जाएगा, माइनस का। वन माइनस वन, वन प्लस वन, वन में से वन जाएंगे तो जीरो, वन एंड वन टू, जीरो में टू का मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो। पी ऑफ टू, टू माइनस वन, टू प्लस वन, टू में से वन जाएंगे तो वन बचेगा, टू प्लस वन थ्री, थ्री वन ज़ा थ्री। क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी हमारा कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन नंबर थर्ड को हम कल की क्लास से कंटिन्यू करेंगे।